एक्स्ट्रा पे बताइए कि कौन सा बेटर रहेगा जो मेरी पूरी मतलब दिन भर जो लॉन्ग चलेगा, लॉन्ग लास्ट होगा, जिसकी वजह से मेरे फेस पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि मुझे खुद से भी लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा गंदा फेस हो गया मेरा, जल गया एकदम से। ये देखिए ना, हाथ कितने जल गए, फेस जल गया। जब तक आदत, सब लोग आई होप सबके सब ठीक होंगे। देखिए कितना हवा चल रहा है और ये फ्लावर देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये दिख रहे हैं आपको, ये देखिए माशाल्लाह, ये बिल्कुल यहाँ पे मदरसे के साथ में इस तरफ में, और ये मदरसा है वो देखिए, बच्चे सामने बैठे हुए हैं और कुछ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, कुछ वहाँ पे बैठे हैं। मैट डाला है इन्होंने धूप में, ये इधर पे पड़ा था पीछे, शायद इन्होंने धोया है अभी, इन्होंने सुखाने के लिए डाला है। वहाँ पर देखिए घूम रहे हैं, यहाँ पर इनके कपड़े सूख रहे हैं। तो मैं भी यहाँ पर बैठी हुई थी, दीदी का फ़ोन आया था श्रीनगर से, उनसे बात कर रही थी। तो अभी मैं जा रही हूँ मंडी, देखिए हवा से कितनी बुरी हालात हो रही है। मैंने बोला था अंकल औरों को कि ये विंडो ना ठीक करवा दो, इन्होंने की नहीं यार, पता नहीं। आंटी को बोला था मैंने, कब का सना का भी बोला था, वो देखो वहाँ से भी मैंने, वो जो ये वाला है ना, ये टूटा हुआ, उसका कब्जा ही नहीं है वहाँ पे, मैंने कपड़े से बांध के रखा, इधर से भी नहीं है। तो इनको बोला था इसको जुड़ा के दो ताकि ठीक रहे ये विंडो, वो है ही नहीं। मैं क्या करूँ, आप देखो इसकी यही कंडीशन है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है तो क्या नहीं करना है। अभी मैं जा रही हूँ मंडी म्यूनसिपालिटी दफ्तर, ये म्यूनसिपालिटी दफ्तर है और यहाँ से मैं निकल रही हूँ वापस, लेट हो गया है। उधर रेडी मैंने ऐसे ही छोड़ी हुई है, तो चलो अल्लाह का शुक्र है कि काम हो गया अपना। मतलब पहले वो लोन दे रहे ना, लोन मतलब सेक्शन इन्होंने कर लिया है, कल मुझे जाना है बैंक से, वो मुझे मिल जाएगा और उसके बाद में मतलब मेरा वहाँ पे प्रिंट निकलेगा, जो लाइसेंस मुझे मिलेगा। सो यहाँ पे पीर बाबा है, यहीं पे सामने म्यूनसिपालिटी दफ्तर है। तो सो थैंक यू सो मच, हो गया आप लोगों की दुआओं की वजह से, सब आप लोगों की दुआओं की के नतीजे, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मतलब मेरा काम आज यहाँ पे हो गया। आज जुमा भी है, तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को जुमा मुबारक, दुआओं में याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं, भागते हैं अपने रेडी पे, क्योंकि यहाँ पे लगा है काम। ये देखिए, तो मैं कहाँ से जाऊँ, ये घूमट सीढ़ियाँ होती थी यहाँ पे, इतना बाजार होता था, अब सब खत्म है, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो चलिए लेट्स गो गाइस, अभी 5:30 बज रहे हैं शाम के, तो हवा इतनी ज़्यादा चली, तूफानी देख रही हो। छाता यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, छाता उड़ गया था वहाँ से, बेचारा कस्टमर लाया उठा के, ये देखिए कहाँ पे रखा है, या एकदम से इसे निकल के ना वो उधर गया उस वाली रेड़ी के पास में। तो ये पानी ला रखा है और ये बांटा रखा हुआ है, और इतनी आंधी आ रही है ना, ज़ोरदार हवा। दिन में गर्मी की वजह से काम नहीं होता, और शाम को जैसे अब काम का टाइम होता है तब हवा चलना स्टार्ट हो जाती है। देखिए कितनी ज़्यादा हवा है, इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है ना, क्या ही करना है यार। इंसान पता है क्या, इंसान का दिमाग ही ख़राब हो जाता है। वो देखिए काले काले बादल, बारिश आ नहीं रही है, बस खाली बादल आ रहे हैं। ये इस रेड़ी के पास पहुंचा मेरा छाता, सीधा उड़ के उधर, गाड़ी रुकी थी उसके पीछे फंसा, नहीं तो पता नहीं किधर गया होता, टूट फूट गया होता वो बेचारा। ऐसे भी हवा की वजह से ना टूटने लगा, ऊपर से इसका चक्कर जो है निकल गया। मैं म्यूनसिपालिटी दफ्तर से जब वापस आई थी, उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, इस टाइम अभी लगी हूँ शूट करने। मैंने सोचा चलो कुछ काम निकले, काम तो कुछ निकला नहीं, दिन में इतना पसीना, तो इतनी बुरी हालत, पसीना आता है तो खारिश आती है बॉडी में, बंदा परेशान हो जाता। सोचता शाम को काम निकले, और शाम को क्या होता है कि शाम को और ही लफड़ा पड़ जाता, हवा का लफड़ा, पता नहीं किधर 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 बंदा जाए, किधर किधर क्या करे, समझ ही नहीं आती है। तो फिलहाल के लिए मौसम थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, क्योंकि हवा चल पड़ी है। तो एक तो मतलब अच्छा हुआ कि हवा चली, मौसम ठंडा हुआ, लेकिन शाम के टाइम ही काम का टाइम होता है, तो इस चक्कर में लोग जाते आइसक्रीम के पीछे, जूस वूस रह गया उधरी, तो ये मसला है। चलो जो भी है सब ठीक है। एक मैंने बांटे का क्रेट ये ला के रखा हुआ है, अभी एक ही नहीं ख़त्म हुआ, तो दूसरे के मौसमी के कितने, 2 गिलास जूस बिका है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। एक पॉइन एप्पल का बिका है, और ना सॉरी पॉइन एप्पल का नहीं, तरबूज का बस, और कुछ नहीं। और 2 प्लेट तरबूज बिका है 30-30 रुपये का, उसके अलावा अभी तक कुछ भी नहीं। और ये हवा चल रही है, ये देखो कितनी ज़बरदस्त हवा चल रही है, वो देखो उसके छाते का क्या हो गया यही होता है हवा में, कुछ नहीं होता है। चलो बैठे हैं, हम भी सामान ना उड़ जाए, थोड़ा केयर करते हैं इसकी, फिर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब के सब ठीक होंगे, आपकी दुआ से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम जाने, मेरा नाम शहनाज अख्तर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहनाज व्लॉग्स। खुश आमदीद करती हूँ आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में, अपने ब्लॉग्स में।
तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं, मैं अब भी आपको सलाम कर रही हूँ। व्लॉग थोड़ा बहुत मैंने पहले से शूट किया हुआ है, तो मैंने कहा चलो दुआ सलाम हो जाए। और इतना ज़्यादा तूफान है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, इतना ख़तरनाक वाला। वो देखिए काले काले बादल कैसे दिख रहे हैं आसमान में, दिख रहा है ये काले बादल हो चुके हैं और बारिश ज़रा भी नहीं आई। छाता वाता मेरा उड़ के भाग गया है, लेकिन फिर भी मैंने पकड़ के लाया उसको और यहाँ पे रेडी में रखा। लेकिन देखिए बादल कितना चमक रहा है, ये इधर इधर पे ना इतना ज़ोर से बादल चमक रहा है। हाँ, तो बादल इतना ज़ोर से चमक रहा है ना यार, पता नहीं क्या हो गया है। ये ज़बरदस्त वाली, मतलब अब इससे अच्छा है बारिश आ जाती। बारिश तो आ नहीं रही है, बस खाली बादल गरज रहा है और तूफान चल रहा है। तूफान से अच्छा था कि बारिश आती और थोड़ा सा मौसम जो है ना वो सुहाना हो जाता। देख रहे हैं आप कितना ज़बरदस्त बादल उधर से चमक रहा है। अल्लाह ही खैर करे, नहीं तो शहनाज का बुरा सत्यानाश हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन चलो अल्लाह ताला है वो बेटर ही करेंगे, गलत कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन आंधी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब तरीके से आ रही है, काली स्याह आंधी है। वो देख रहे हैं काले बादल है यार, इतने इतने ज़्यादा ज़्यादा बादल। पता नहीं है ये शहनाज का काम शाम को निकलता है, क्या कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये आंधी क्या कर रही है, क्या कर रही है मुझे समझाओ। ये फूलों को होश आ गई, बाकी छोड़ो फूल कितने प्यारे लगते हैं ना यहाँ पे, माशाल्लाह बहुत प्यारे लगते हैं ये फ्लावर मुझे। और इनकी खुशबू बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, जब भी आप कभी आएंगे यहाँ पे देखिएगा आपके इनकी कितनी प्यारी खुशबू होती। चलिए अंकल का फ़ोन आता है, आ रहा है, उसे बात करते हैं। आला अभी बज रहे हैं 7:30, मेरे पास थोड़े सारे कस्टमर आए, अल्लाह का शुक्र है। बाटा मैंने 5-6 बॉटल बेची हैं ये देखिए तो। और आंटी और आए थे यहाँ खटिंगा तला से, और अभी सर और आए बठिंडी वाली साइड से। मुझे सारे हंस रहे हैं गाइस, बोलते तू इतनी काली हो गई है तो क्रीम लगा फेस पे। अब मेरे को जो सनब्लॉक का पता था मैं वो लगा रही हूँ, लोटस का भी लगा रही हूँ, एक दूसरा वो भी लगा रही हूँ। अब मैंने एक और कुछ मंगाया है मीशो से, लेकिन मैं आप लोगों को तब से कह रही हूँ मुझे कमेंट में बताइए, कॉल करके बताइए, मैसेज में, इंस्टा पे बताइए कि कौन सा बेटर रहेगा जो मेरी पूरी मतलब दिन भर जो लॉन्ग चलेगा, लॉन्ग लास्ट होगा, जिसकी वजह से मेरे फेस पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि मुझे खुद से भी लग रहा है यार बहुत ज़्यादा गंदा फेस हो गया मेरा, जल गया एकदम से। ये देखिए ना हाथ कितने जल गए, फेस जल गया। जब तक आदत हो जाएगी, जब आदत होगी फिर इतना अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी मुझे आदत नहीं है सन में रहने की। बाहर डस्ट, मुझे सबसे ज़्यादा डस्ट प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ यार इसके लिए मुझे बताओ कि नहीं तो पता नहीं कितने कस्टमर भागते होंगे ये मेरा फेस और हाथ देख के, बोलते होंगे यार ये तो काली स्याह हो गई, तो प्लीज़ मेहरबानी करो कुछ बताओ यार क्या कर रहे हो आप लोग। मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, 14,000 की फैमिली है यार, फिर भी आप नहीं बता रहे, मैं आपसे नाराज़ हो गई हूँ, मुझे जल्दी बताओ कमेंट करके। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आपकी, उम्मीद है आप खैर वाकिफ से होंगे। नेक्स्ट डे हो गया, कल मैंने व्लॉग एंड नहीं किया था तो आज मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। रात को ये बैनर शैनर उड़ गया था हवा की वजह से, इतनी ज़बरदस्त आंधी आई, फिर मैंने ये दोबारा से लगाया अभी, और इतनी तबाही हुई। कल कुछ सामान भी नहीं बिका, 1,000 रुपये की सेल हुई है, वो आप देख सकते हैं। मैंने आज कुछ भी नहीं लाया, पहले का ही सामान पड़ा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा आंधी और तूफान आ गया था रात को, तो बड़ी परेशानी हो गई मुझे बंद करने में, इतनी दिक्कत हो गई थी मैं क्या बताऊँ, मैं रोई भी रात को इतना ज़बरदस्त। फिर व्लॉग भी मैंने ऐड नहीं किया, बस जो भी छोटी मोटी रूटीन है वो जो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। आप उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि हमारा भी कुछ न कुछ सेटलमेंट हो जाए यूट्यूब का। तो फिलहाल इसका यही है, देखिए मैंने कल ही गई थी मैं मंडी, आज नहीं गई क्योंकि बिका ही नहीं कुछ, तो फिर मंडी जाके क्या करना। तरबूज कल एक भी नहीं बिका, मौसमी के 2 से 3 गिलास बिके थे, बस खाली एक भांटे का डाला बिका था, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो चलिए अभी हम कर रहे हैं स्टार्ट अपना काम, अभी तक भूनी तो नहीं हुई है। हाँ सामान लगा दिया मैंने, तरबूज भी छिल के रख दिया एक इसमें बॉक्स में, तो कैसा क्या रहता है आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करते हो आपको अच्छा लगे, अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो।